ज्ञान की गंगा बहती रहनी चाहिए, फिर वो चाहे बड़ों से हो चाहे छोटों से हो, जंगल से हो, क्लासरूम से हो, घर से हो या कहीं और से हो, ज्ञान की गंगा बहती रहनी चाहिए। आज का ज्ञान म्यूज से लेते हैं। स्कूल का टाइम 12 बजे कर देना चाहिए, क्योंकि सुबह एक तो पहली बार ठंड में बाहर नहीं निकला जाता और गर्मियों में अंदर नहीं रहा जाता, ऊपर से अगर तुम असेंबली में हो तो इतनी ठंड में तुम्हें सुबह सुबह असेंबली में ठंडी लग रही होगी, तुम मर जाओगे वहां ठंडी से, ऊपर से ब्लेजर बहुत पतला है तो आप बच भी नहीं सकते, इसलिए आपको अपने प्रिकॉशन से 3-4 लेयर पहन ही जाना पड़ेगा, तो इसमें योर रिस्क, एट योर ओन रिस्क। और गर्मियों में ठंडियों में उस जगह पे नहीं खड़े कराते जहाँ पे धूप आ रही होती है, गर्मियों में उस जगह खड़े कराएंगे जहाँ पे धूप आती है, कि मरवाओ इन बच्चों को, बेहोश करवाओ। थॉट ऑफ द डे एंड न्यूज ऑफ द डे, थॉट ऑफ न्यूज ऑफ द डे ये दो बच्चे गिर चुके हैं, और न्यूज ऑफ द डे और ये क्या बोलते हैं, थॉट ये है कि बचा लो बाकी के दो को। तो ये तो एक तरफ का ज्ञान है म्यू का। बच्चे ना बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, सब कुछ दे देते हैं। ये पहला वर्जन था म्यू के ज्ञान का। अब देखते हैं दूसरा वर्जन, वो भी है म्यू के पास, उस पर लेके चलते हैं। मतलब ये तो था वो वाला ज्ञान, स्कूल्स यार क्या है, स्कूल्स घर में क्यों नहीं पढ़ा देते, रजाई के अंदर पढ़ा लो भाई, है ना, सारे टीचर यहीं आ जाओ, हीटर लगा के पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लेंगे, यूनिफॉर्म भी नहीं पहननी पड़ेगी, और किताबें क्या करना है, अपने मुंह से बोलते रहो, जितना इधर है ऊपर वाले माले में वो सारा निकाल के दे दो। ये तो ऐसा वाला था। अब म्यू के पास दोबारा चलते हैं और दूसरा ज्ञान का वर्जन लेते हैं म्यू से। Teachers are like second parents, who teaches everything from book lessons to life lessons. Thank you for always making a chapter interesting, even though it's boring as hell. And thank you for always trusting in a student and giving them opportunities to express themselves through the morning assemblies and other things. And thank you for everything you do for us, and we love you. तो ये था टीचर्स के लिए म्यू का प्यार। कुछ याद नहीं किया, कुछ तैयारी नहीं कराई, सब उसका है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो जी ऐसे ही हैं, बावरे से, पगले से, अक्सर ये कहती हैं हमको। अब दिखाता हूँ, ये देखो ये बैठी हुई है मुस्कुराते हुए, ये कहती हैं हमको, एक पागल सा इंसान रहता है इस घर में जो हमेशा पकार 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 करता रहता है, लेकिन हम इसकी नहीं सुनते, हम तो फिर भी करते रहेंगे जी, क्यों? ये देखो मुंह बनाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन हम ज्ञान की गंगा यूं ही बहाते रहेंगे। भाई आप सुनो ना सुनो, आप देखो ना देखो, हम तो करेंगे जी, हमें खुद को देखने में मजा आता है, सचमुच बहुत मजा आता है, बहुत वेला टाइम है। कौन सा टाइम है हमारे पास? बहुत वेला टाइम है, बहुत टाइम है हमारे पास। ये जो 24 घंटे है ना, इनको हम 15 घंटे इसी पे भी, इनको हम 48 घंटे कर देते हैं अपना सब काम करते हुए। और हम हैं क्या, हम नरेश सिंह नेहाल है, और कौन है भाई, इंसान भी नहीं जानवर, एक छोटे से। देखो पीछे से जो आवाज आ रही है इस पर ध्यान ना दें कृपया, अपने कान बंद करें, ये कृपया आपके मन की आवाज आई जा रही है पीछे से, मन और दिमाग की, तो कृपया अपने कान बंद रखें, आंखों से देखें, और थोड़ा सा जो मिले इसमें से वो ग्रहण करें, और दुनिया में आप सब स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और यूं ही आगे बढ़ते रहें खिलखिलाकर।